हेलो एंड नमस्ते। हमारे जीवन में एनर्जी का कितना महत्व होता है कि सुबह शाम सोते जागते हर समय हम एनर्जी का उपयोग कर ही रहे होते हैं किसी न किसी रूप में, और हमारी एनर्जी की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है। हमारे एनर्जी के कारण क्लाइमेट चेंज भी होता जा रहा है। एनर्जी चूँकि कंट्री को आयात करना पड़ता है तो एनर्जी सिक्योरिटी भी है, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी चर्चा है, और एनर्जी एक्सेस, ये सारे अलग अलग एनर्जी के बाउंड्री कंडीशन से कंस्ट्रेंट है। ऐसे में क्यों ना हम सब सोलर एनर्जी का उपयोग करें, और ये बहुत ही नॉर्मल है कि सब लोग चाहते हैं कि सोलर एनर्जी का उपयोग करें। परंतु हम ये भी जानते हैं कि अभी भी इतने प्रचार प्रसार के बाद, इतने पॉलिसी के बाद भी सोलर एनर्जी का उपयोग बहुत सीमित मात्रा में होता है, या आम आदमी सोलर एनर्जी का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कई सारे मिसकंसेप्शन हैं जिसके कारण सोलर एनर्जी का उपयोग या प्रमोशन इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। ये जो आज सोलर एनर्जी के मिसकंसेप्शन हैं, किसी ज़माने में आज के 10 साल पहले 15 साल पहले इशू हुआ करते थे, परंतु टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण वो जो इशूज़ थे आज इशू नहीं है। परंतु फिर भी लोगों के मन में ऐसी भावना है कि वो आज भी इशू है, आज भी मिसकंसेप्शन है। तो मैं आपको ये सीरीज़ के माध्यम से एक एक करके सोलर एनर्जी के मिसकंसेप्शन को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन, सोलर एनर्जी के ज़्यादा प्रचार उपयोग के लिए सोलर एनर्जी की एफिशिएंसी या सोलर फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है? बहुत लोगों को लगता है, परंतु आप एक्चुअली देखेंगे डिटेल्स में तो ये बिल्कुल सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी या सोलर सेल या सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम है तो उसके लिए हमें एक कंपैरिजन पॉइंट चाहिए। तो किसके साथ कंपेयर करें तो कम है? तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम एक नेचुरल प्रोसेस के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस जिसके माध्यम से प्लांट्स और पेड़ सोलर एनर्जी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी कितनी है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि अधिकतर प्लांट्स की एफिशिएंसी 0.5% से 1% ही होती है सिर्फ। और कुछ प्लांट होते हैं जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं, जो कई सारे प्लांट होते हैं जो फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जिनको हम एनर्जी क्रॉप के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं बायोमास प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी भी 4-5% होती है, जो बहुत फास्ट है। तो 4-5% की तुलना में हम कंपेयर करें तो आज के जो सोलर मॉड्यूल जो कमर्शियली अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी 15-16-17-18% होती है। तो फोटोसिंथेसिस की तुलना में तो कहीं ज़्यादा हुई, तो एफिशिएंसी की तो प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम फोटोसिंथेसिस के साथ कंपेयर नहीं करते, हम कोल के पावर प्लांट के साथ या न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ या हाइड्रो पावर प्लांट के साथ इसकी एफिशिएंसी को कंपेयर करते हैं। तो एफिशिएंसी की जब बात करते हैं तो कोयले का जो इनपुट है और जो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट होकर जब हम यूज़ करते हैं, इस बीच इसकी क्या एफिशिएंसी है? तो आप जानते होंगे कि भारत देश में कोयला प्रोड्यूस नहीं होता। इनफैक्ट कोयला और बाकी फोसाइल फ्यूल ऐसे हैं जो सभी देशों में नहीं प्रोड्यूस होते, कई सारे देश उसको इम्पोर्ट करते हैं। भारत देश भी कोयले को इम्पोर्ट करता है, और भारत देश में 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से प्रोड्यूस होती है, और हम इम्पोर्ट भी करते हैं। तो हम इम्पोर्ट करते हैं तो हम कोयले की माइन करते हैं, कहीं पे खदान से निकालते हैं, फिर उसको रेल के द्वारा, शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके पावर प्लांट पे लेके जाते हैं, फिर पावर प्लांट में कोल को जलाते हैं जिसकी एफिशिएंसी मात्र 30-35% होती है, फिर उसके बाद टर्बाइन चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं, फिर उसके बाद बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो हाई वोल्टेज को बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन्स में ट्रांसमिट करते हैं, फिर ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टेप डाउन करते हैं, फिर ट्रांसमिट करते हैं, फिर स्टेप डाउन करते हैं, और आखिरी में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली को घरों तक पहुंचाया जा सकता है। ये पूरा प्रोसेस कोयले की खदान से लेके जब हम उसका उपयोग करते हैं, ये पूरे प्रोसेस की एफिशिएंसी आप देखेंगे तो 8-10% के बीच आती है। तो मैंने बताया था सोलर पैनल की एफिशिएंसी तो 15-16-17-18% होती है कमर्शियली अवेलेबल मॉड्यूल।
इनफैक्ट ऐसे सोलर मॉड्यूल भी है जो थोड़े महंगे हैं पर उनकी एफिशिएंसी 20-22% होती है। और लेबोरेटरी लेवल पे वैज्ञानिकों ने कई ज़्यादा एफिशिएंट सोलर सेल भी बनाए हैं जो सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सोलर सेल होते हैं। वैज्ञानिकों ने 25-26% सोलर सेल भी बनाए हैं और जो थिन फिल्म या गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड सोलर सेल होते हैं और जो मल्टी जंक्शन सोलर सेल होते हैं उनकी एफिशिएंसी 45-46% भी बनाई है और डिमॉन्स्ट्रेशन की गई है। तो कुल मिला के ये कहना चाहूँगा कि ये एफिशिएंसी की कमी के कारण हम सोलर एनर्जी का उपयोग करते ऐसा नहीं है, जिसका जो एनर्जी के साधनों का उपयोग करते हैं उनकी एफिशिएंसी सोलर सेल से या सोलर पैनल से काफ़ी कम है। इसलिए यदि आप एफिशिएंसी की कमी के कारण यदि इसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो ये इसको आपके ज्ञान को ठीक करें और जितनी जल्दी हो सके सोलर एनर्जी का उपयोग करें। हालांकि वैज्ञानिक डेवलपमेंट होते रहेंगे, साइंटिफिक डेवलपमेंट होते रहेंगे और एफिशिएंसी और आगे बढ़ती रहेगी, परंतु मुझे नहीं लगता कि हमें और ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ने का वेट करने की ज़रूरत है। आज जिस तरह से वातावरण बदल रहा है, एनर्जी की ज़रूरतें बढ़ रही है, एनर्जी पर निर्भरता दूसरे देशों पर बढ़ रही है, यह सबको देखते हुए मेरे ख्याल से सोलर पैनल की एफिशिएंसी काफ़ी है कि हम आज ही इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज का जो मिसकंसेप्शन मैंने आपका दूर किया हो, यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में मैं दूसरे मिसकंसेप्शन दूर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।